फाइनली दोस्तों वीवो ने अपने वीवो जेड वन प्रो को भारत में लॉन्च कर दिया दोस्तों। गेमर के दीवाने, पबजी के दीवाने के लिए दोस्तों ये फोन भारत में फाइनली लॉन्च हो गया दोस्तों। क्या ये गेम के अलावा अदर फीचर में भी आपको साथ देगा ये फोन? क्या इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी है, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसे, इसके फीचर है कैसे, इसके कैमरा परफॉर्मेंस है दोस्तों, सारी बातें आज की बात करेंगे दोस्तों इस वीवो जेड वन प्रो के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम सागर वर्मा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रेम सागर वर्मा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद वीवो ने वीवो जेड वन प्रो को भारत में लॉन्च कर दिया और इसके दोस्तों ये फोन जो है दोस्तों स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर के साथ, क्राकोर प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसमें दोस्तों 10 mm का चिपसेट लगाया, यानी कि दोस्तों ये फोन कह सकते हैं दुनिया का पहला वो फोन है जो जिसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। जो अच्छे इसमें अपने में दोस्तों एक अलग बात है, जो दुनिया का सबसे पहला फोन हो गया। इसमें बात एंड्रॉयडो को, इसमें दोस्तों एंड्रॉयडो का 660 GPU लगा है इस फोन। बात करते हैं दोस्तों इसकी स्क्रीन साइज की, तो दोस्तों इसकी स्क्रीन 6.53 इंच की स्क्रीन साइज दी गई है और इसमें 90.77% की स्क्रीन रेशियो दी गई है, यानी कि दोस्तों अच्छी किसी तरह से जाते। इसकी बॉडी की बात करें, बॉडी और बिल्ड क्वालिटी की, दोस्तों इसमें ग्रेडियंट फिनिशिंग बॉडी दिया गया है दोस्तों, जो तीन कलर में है, तीन कलर में दिया है, जो सोनिक ब्लैक, मिरर ब्लैक और सोनिक ब्लू, यानी कि दोस्तों ये बहुत जो कह सकते हैं जो कलर है ये जो प्रीमियम लगने वाला है, जैसे कि इसने स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर यूज हुआ। और बात करते हैं दोस्तों इसमें ट्रिपल रियर कैमरा, AI ट्रिपल रियर कैमरा है और दोस्तों फ्रंट में 32 MP का इन डिस्प्ले कैमरा है दोस्तों। जी इन डिस्प्ले कैमरा वो है जो होल पंच कैमरा है, जिसे वीवो कहता है इन डिस्प्ले कैमरा, यानी कि दोस्तों 32 MP का ये होल पंच कैमरा है, यानी कि दोस्तों वीवो जिसे इन डिस्प्ले कैमरा कहता है। जो इसके ट्रिपल रियर कैमरा है दोस्तों वह 60 MP का 1.78 f/4 का 8 MP का सेकेंडरी कैमरा है, वही दोस्तों थर्ड कैमरा 2 MP का ये, और साथ में दोस्तों उसके नीचे एक फ्लैश लाइटिंग दी गई है और दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी साथ में दिया गया है। बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की दोस्तों, इसकी कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, जैसे कि इसकी बात करें सेल्फी कैमरा, जो स्क्रीन से 32 MP की सेल्फी कैमरा की बात करें, चाहे दोस्तों इसकी AI ट्रिपल कैमरा की बात करें, चाहे इसके HDR मोड की बात करें, चाहे ब्रोकन मोड की बात करें, चाहे नाइट मोड की बात करें, दोस्तों तीनों हर फॉर्मेट में ये फोन बहुत ही बेटर कहा जा रहा है इससे। और क्योंकि दोस्तों जो इसकी जो बैटरी इसकी दी जा रही, इसकी बैटरी 5000 mAh की बैटरी दी जा रही, जो 18 वाल्ट का चार्जर साथ में दिया जा रहा है, जो दोस्तों बहुत फास्ट चार्जिंग की सपोर्टेड ये है, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों हर मामले में एक अच्छा फोन साबित हुआ है। क्योंकि दोस्तों जहां इसके मल्टी टास्किंग की बात करें दोस्तों, मल्टी टास्किंग भी बहुत अच्छा फीचर दिया, 6 GB रैम और 6 GB अप टू, यानी कि 128 GB स्टोरेज, यानी कि दोस्तों इसमें कई वेरिएंट में है, ऐसा बात नहीं है। और बात करते हैं दोस्तों इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसमें ऑपरेटिंग सेंसर एंड्रॉइड का दोस्तों 9.5 के दिया गया है, जो दोस्तों आगे इससे अपडेट किया भी जा सकता है इसमें कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों चिपसेट 10 nm का चिपसेट एंड्रॉइड का 660 के इस्तेमाल किया गया, GPU इस्तेमाल किया गया, जो दोस्तों अपने आप में ही एक अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस GPU कहा जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस को लेकर, दोस्तों इसकी प्राइस भी तीन वेरिएंट के दोस्तों तीन प्राइस रखी गई, जैसे कि 460 यानी कि दोस्तों 460 यानी 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाली की कीमत दोस्तों 14,990 रुपया और 6 GB और 64 GB स्टोरेज वाली कीमत 16,990 और 6 GB 128 GB स्टोरेज वाली की कीमत 17,990 रुपया इसकी प्राइस रखी गई है दोस्तों। इसकी सेलिंग होगी 11 जुलाई से फ्लिपकार्ट पर, इसकी सेलिंग फ्लैश सेल लगेगा, यानी कि दोस्तों आप लोग इस फोन को अच्छा लगा है दोस्तों, आपको गेमिंग के दीवाने हैं दोस्तों, गेम खेलना पसंद करते हैं दोस्तों, पबजी जैसे गेम को, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा ये परफॉर्मेंस फोन है, कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस फोन है। और इसके दोस्तों बहुत ही जो इसमें दोस्तों जो फास्ट चार्जिंग दिया 5000 mAh के जो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट करते हैं दोस्तों, बहुत ही बेटर है। और दोस्तों साथ में इसके प्रोसेसर के भी लेकर भी दोस्तों कह सकते हैं अच्छी बेटर है, यानी कि दोस्तों आप गेमिंग के दीवाने और अच्छे सेल्फी फोन है दोस्तों, कह सकते हैं हर मामले में अच्छे एक फोन है, जिस कीमत के हिसाब से इस फोन के मामले बहुत ही अच्छा फोन कहा गया वीवो Z1 Pro, यानी कि दोस्तों वीवो Z1 Pro को आपके दोस्तों क्या राय है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से इस फोन को आप लेना चाहते हैं दोस्तों ले सकते हैं, क्योंकि इसकी सेलिंग भी 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों आप वहां से भी इसका परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या इसके हिसाब से फोन की प्राइस सही है, इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या दोस्तों आपको ये गेमिंग परफॉर्मेंस इस फोन का सही लगता है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों अभी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।